compound interest pay an amount triples itself in 3 years, in how much time will it become 9 times of itself? हमें क्या बोला, हमने 100 रुपए चढ़ाए, वो 100 रुपए 3 साल में, तो 100 रुपए 3 साल में कितने हो गए, ट्रिपल हो गए, वो 100 रुपए 3 साल में ट्रिपल हो गए। अब क्या पूछा है हमसे, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 9 times ऑफ इटसेल्फ, हमें बोला है वो 100 रुपए 900 रुपए में कितने साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 100 रुपए 900 रुपए में कितने साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बार 100 रुपए 3 साल में ट्रिपल हुए, तो अब क्या है, जब ये 3 साल में ट्रिपल हुए तो हमें इनको 900 तक पहुंचाना है, तो और 3 साल लगाओ, अब दोबारा ट्रिपल करो एक बार, ये कितना हो जाएगा, इसका ट्रिपल 900 रुपीज, तो एक और बार ट्रिपल करूंगा, तो एक और बार ट्रिपल करने के लिए 3 साल और लगेंगे, तो टोटल साल कितने हो गए, 3 + 3 यानी 6 साल, तो आंसर कितना हो गया, 6 ईयर्स। क्लियर है ये, ठीक है, आंसर हो गया 6 ईयर्स।